क्या हम लोग इतने समाज के रूप में इतने अपरिपक्व हो गए हैं, इतनी कमजोर बुद्धि के हो गए हैं कि हम सारे संदर्भों को आपस में अलग करके नहीं देख सकते, उनको गुत्थम गुत्था करके कोई भी निष्कर्ष निकाल के बस केवल क्या केवल जोर जोर से नारे लगा देना ही राष्ट्रवाद है क्या? मेरे ख्याल से हमको इसके कुछ और दूसरी जड़ में भी जाना चाहिए। ये राष्ट्रवाद की बात जो है, आप इसका एक संदर्भ और देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU हमेशा से और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया, ये लोग लेफ्टिस्टों के हिस्ट्री के केंद्र रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं वो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी चीज़ों का बहुत विरोध किया है। और ये गुरमेहर कौर भी लेडी श्रीराम में हिस्ट्री ऑनर्स की विद्यार्थी है, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की पत्नियाँ वहाँ पे पढ़ा रही हैं। और ये बच्ची जो बहुत छोटी है, जब कॉलेज स्कूल से कॉलेज में आई थी, स्कूल तक तक इसका दिमाग केवल ये था कि वो पाकिस्तान से नफरत करती है, ये है। और क्यों एकाएक उसका माइंड LSR में जाकर, वो भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर बदल गया है? JNU में क्यों इसका वो हुआ है? आप देखिए कुछ चैनल्स केवल अभी इस सारे विवाद में केवल JNU के प्रोफेसर्स को दिखा रहे हैं, और वो भी केवल लेफ्टिस्टों को दिखा रहे हैं, राष्ट्रवादी हिस्टोरियंस को नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने ICHR जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसकी कोई बात नहीं दिखाई है। मतलब ये लोग किसी ना किसी प्रकार से अपने को सेक्युलर बताकर सिर्फ उनके एक राष्ट्र विरोधी घटना तो नहीं, गतिविधि तो नहीं कह सकते हम, पर राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ में हो जाना चाहते हैं। राजेश राठौर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो प्रकाश जी भी कह रहे थे, शिवाजी ने भी वही बात दोहराई है कि जितनी उथली सतही दिख रही चीजें उतनी है नहीं, इनके कई गहरे मायने हैं। आप भी पत्रकार हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी एक बात उठी है कि उसका संदर्भ जो भी रहा हो, लेकिन बात तो राष्ट्रवाद की है, और जो राष्ट्र के खिलाफ बात करेगा हम उसके खिलाफ बात करेंगे। दूसरा, एक साजिश चल रही है कि जो लड़की बहुत लंबे अरसे तक ये सोचती रही कि एक युद्ध में पिताजी उसके जो मारे गए हैं तो पाकिस्तान ने मारा है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करते हुए वो बड़ी हुई, और अचानक उसके विचार जो बदले हैं तो उसका संस्कार संस्कृति से लेने देना कम है, और एक साजिश है जिसके तहत ब्रेन वॉशिंग हो रही है कॉलेज के कैंपसों में युवाओं की, और उस साजिश के तहत ये हुआ है। आप सहमत हैं इस बात से? मेरा दूसरा कहना है कि माँ सरस्वती के कैंपस में या मंदिर में जिस तरह के प्रोफेसर अब जुड़ गए हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से जुड़ गए हैं, और उन्हीं के कारण जो है ये परेशानी खड़ी हुई है। जिस भी विश्वविद्यालय में जब कोई झगड़ा शुरू होता है तो आप देखिएगा उस छात्र के पीछे कोई ना कोई जो है प्रोफेसर रहेगा, और उसका असली चेहरा बाद में पता चलता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में भेजते हैं, ना कि वहाँ की राजनीति में या वहाँ के किसी गलत काम में शामिल होने के लिए। तो इसके लिए प्रिंसिपल या कुलपति या प्रोफेसर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि उनको इस तरह की गतिविधि अपने कैंपस में नहीं होने देना चाहिए। तीसरी बात माला जी की है, उस बात से मैं भी सहमत हूँ, चूँकि मैं मीडिया में हूँ। इन दिनों पूरे देश में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कॉम्पिटिशन हो रही है, उसके कारण बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग वो हिस्सा नहीं दिखा पाते हैं जो हमें वास्तव में दिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया में भी जो जिस विचारधारा का होता है वो उतना हिस्सा उस भाषण का जो है वीडियो एडिट करके और क्लिपिंग जो है वायरल कर देता है। आप देखिएगा कि कई लोग बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर जब भेजना शुरू करते हैं तो उसके कारण ये सब आग में घी का काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को और यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को ये चाहिए कि वो अपने कैंपस में इस तरह की किसी भी गतिविधियों को सबसे पहले रोके। आप अभी ये देख लीजिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो या भोपाल का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी आप जब जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का कुलपति होता है और उस पार्टी से जुड़े हुए पुराने प्रोफेसर सक्रिय हो जाते हैं, अचानक उन्हीं विचारधारा के संगठन भी सक्रिय हो जाते हैं, और जब इस तरह की बात सामने आती है तो उसको गलत तरीके से पेश करते हैं और पूरे देश में विकास के मुद्दे से हटकर इन फालतू बातों पर बहस शुरू हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक विडंबना तो ये भी है कि कुलपति से लेके प्रोफेसर तक तो किसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन छात्र नहीं हो सकते, और छात्रों को तो विचारों को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जा रहा सालों से यहाँ पे मध्य प्रदेश में। और लिंगदो कमेटी की सिफारिशें आ चुकी हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये अत्याचार है कि एक युवा नेतृत्व
तैयार करने की जो नर्सरी हुआ करते थे छात्र संघ, उन छात्र संगठनों का ही गला घोट दिया गया और उसके खिलाफ आवाजें भी उठना बंद हो चुकी हैं। ये दुर्भाग्य है कि छात्र चुनाव नहीं लड़ पा रहे लेकिन कुलपति विचारधारा के हो सकते हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये एक तो इन्होंने कहा कि विद्या के मंदिर हैं और उनको उसी तरह रखा जाना चाहिए और वहां राजनीति, और ये कुलपति और प्रोफेसरों की गलती है। और एक और गंभीर बात इन्होंने कही कि कुछ अच्छे चाणक्य भी होते हैं, कुछ बुरे चाणक्य भी होते हैं, और ये पीछे से चाणक्य हैं वो सब चला रहे हैं, दिखने वाले चंद्रगुप्त हैं वो तो कठपुतली हैं। जयदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सारगर्भित विषय पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं आज। यूनिवर्सिटीज एक अड्डा बन गए हैं किसी भी विचारधारा को प्रभावित करने के लिए और प्रभावित करने के लिए। बहुत गलत है और बहुत सही भी है। सही इसलिए है क्योंकि आपने जैसा कहा कि जब छात्र नेता पैदा होते हैं तो भविष्य के नेता बनते हैं। छात्र नेताओं से ही भविष्य के नेता पैदा होते हैं। एक आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए वो भविष्य में देश का संचालन करेंगे, ऐसा एक टर्सरी जिसको आपने कहा। लेकिन खराब इसलिए है क्योंकि वो कठपुतली बन जाते हैं, किसी और के हाथों में खेलने लग जाते हैं, इसलिए वो दर्द का विषय बन जाता है, जो कि DU और जो कि JNU में लगातार इतने वर्षों से होता आ रहा है। JNU तो वाकई अड्डा बन चुका था। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम इस तरह की घटनाओं से JNU एक्सपोज हुआ है। इट मे बी अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट एटलीस्ट वो एक्सपोज हुआ, हमको पता चला। हम आज दिन तक JNU को बड़े रिस्पेक्ट से देखा करते थे, नतमस्तक हुआ करते थे और बड़ा एक रिस्पेक्ट होता था कि अरे JNU से पढ़े हुए। लेकिन अब पता चलता, ख्वाब भी हुआ करता, बहुत ख्वाब हुआ करता था, तो क्या उनके ख्वाब टूट जाने चाहिए? गलत जगह, बेकार जगह। लेकिन चूंकि वहां की जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों पर अब प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है, इसलिए अब ये जागरूक होना और उसके बारे में चिंतन करने के लिए एक बहुत अच्छा हमको मुद्दा मिला है। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि रामजस कॉलेज का विषय जो था, उस विषय से वो विषय बहुत अच्छा था कि क्या हमने उस व्यक्ति को जो राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लगा हुआ है, क्या हमें उसको इन्वाइट करना चाहिए था? किसी भी ढंग से उसको इन्वाइट करना नहीं चाहिए था। उसको मौका देने का मतलब ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने राष्ट्र के विरोध में यदि नारे लगाए हैं या गतिविधियां करी हैं, उस व्यक्ति को इन्वाइट करके लेक्चर देने के लिए बुलाना। एक इंटरप्ट करके छोटा फैक्ट ये दूंगा कि अभी वो ना तो बरी हुए ना आरोप तय हुए हैं, ये बात अलग है। हाँ, ये बात अलग है। वो अभी चल रहा है मामला, चलिए राष्ट्रद्रोह का आरोप ना तो फाइनली कोर्ट ने तय किया है ना उनको फाइनली बरी किया है। हम जानते हैं, ये आप और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जब मुकदमे दायर होते हैं उसके बाद उसके फैसले कब आया करते हैं। लीव द व्हाटएवर द ज्यूरिसडिक्शन, व्हाटएवर हैपेंस, बट आप और हम वीडियो क्लिपिंग्स आपने भी देखी, हमने भी देखी, जितनी न्यूज आपने देखी हमने भी देखी, हमको पता है। तीसरी बात, उस लड़की का, गुरमेहर का ये सारे के सारे विषय में उठ आना, बहुत ज्यादा भटकाव करके एक ऑफ टेंजेंट चले जाना उस विषय का, वो अपने आप में सुनियोजित है। जिस तरह से उस लड़की ने एक एक प्लाकार्ड उठा के अपनी वीडियो खिंचवाई है या फोटो खिंचवाई है, उससे साफ नजर आता है कि वो सारा का सारा तंत्र जो था वो सुनियोजित था और डाइवर्ट करने का प्लान था, ये तय बात है। मतलब अगर प्लेकार्ड उठा के उन्होंने पहले भी कहा है और उसको जोड़ा जा रहा है तो गलत नहीं, क्योंकि अभी भी उन्होंने प्लेकार्ड उठा के ही कहा है और ये शायद उनसे करवाया गया हो सकता है। सुरेश तिवारी जी हैं हमारे साथ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मीडिया माध्यमों से, जनसंपर्क से लगातार जुड़े रहे हैं, लिखते रहे हैं। तिवारी जी, ये बताइए कि एक विचारधारा बन गई है कि ये सब जो कुछ हो रहा है साजिशन है, लेकिन देश फिर इस साजिश का इतनी आसानी से शिकार क्यों बन जाता है? क्या हम लोग वाकई इतने मासूम और निरीह हैं कि कोई चाहे जब हमसे चाहे जिस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी बहस करवा लेगा और हम इतने फोकट भी हैं कि करते भी रहेंगे? मैं पहली बार आपके इस परिचर्चा में शामिल हुआ हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। नाउ मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। एक चीज को आप समझने की कोशिश करिए, इट्स ऑल मैटर ऑफ एटमोस्फियर। क्या कारण है कि IIT IIM में इस तरह की साजिश नहीं होती? कभी सुना है आपने कि IIT IIM में, पूरे देश के किसी IIT IIM में इस तरह का कोई आदमी घुसपैठ करके और इस तरह की हरकतें कर पाया है? क्या सोचा कभी इसने? क्यों JNU में होता है? क्यों रामजस में होता है? क्यों इस तरह के यूनिवर्सिटीज में होता है? वो इसलिए होता है, इट्स मैटर ऑफ एटमोसफियर। वहाँ पे अगर जरा सा वो बच्चे को 18 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है, उसको वो कैलिबर दिखाना पड़ता है। IIM और IIT में इट इज नॉट ईजी टू गेट इट डन। तो दैट इज मैटर ऑफ एटमोसफियर। अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा। प्रकाश जी ने जो बात कही, मैं उसके ज्यादा खिलाफ में नहीं बोलना चाहता, पर उनका अपना महत्व है, अपना उनका अस्तित्व है रामजस का, उसका मैं उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, बट ये सोचना पड़ेगा आपको, इट इज ऑल मैटर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट्स ऑल। विभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं तो एक चीज कहना चाहूंगी, जो कई बार सब लोग कह रहे हैं कि IIT IIM और JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस है,
बेसिक डिफरेंस ये है कि आईआईटी आईएम में आप एंटर इसीलिए होते हो कि सक्सेसफुल होके बहुत पैसा कमाओ, बड़ी पोजीशन पे जाओ। आप विचारधारा बनाना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना फोकस मार्केट ओरिएंटेड रखते हो। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट जेएनयू और रामजस जैसे नहीं होंगे तो हमारे देश में विचारधारा ही नहीं पैदा होंगी। और वो जो स्टूडेंट्स हैं, जब यंग एज में सबको कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो इक्वलिटी की बात करती है। जब हम बड़े होते हैं हमें रियलाइज होता है इक्वलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है और दुनिया में कहीं भी इक्वलिटी नहीं चलती है, तब हम धीरे धीरे उस विचारधारा से बाहर आने लगते हैं। तो ये बच्चों की, अगर हम कहा जाए 20 साल की लड़की एक बच्ची है, उनकी विचारधारा भी डेवलप हो रही है। जो भी जेएनयू के हैं, जो बड़े हैं उनको हम अलग कर दें, तो स्टूडेंट्स को हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि वो सोच सकें कम से कम, अदरवाइज हमारी डेमोक्रेसी में रहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि साम्यवाद एक ऐसा रोमांटिक ख्याल है जो बनता भी जल्दी है और बिगड़ता भी जल्दी है, क्योंकि ऐसी समानता ढूंढी बहुत गई, लेकिन वो समानता अगर लागू हो गई होती तो हम सब छाल पहन के ही जी रहे होते हैं। हम अलग हैं, हम विविध हैं, लेकिन इस विचारधारा की बहस से आगे बढ़ के वीना जी आपके पास आता हूँ। आपको लगता है जितनी बातें यहाँ पर आई हैं युवाओं ने तो बहुत ही, मैं ये विशेष रूप से स्ट्रेस करना चाहूंगी कि गुरमेहर ने जो कुछ कहा युद्ध व शांति के बारे में, उसको हम एक किनारे कर दें। मुख्य बात तो ये है कि हम राष्ट्र देशभक्ति की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको कभी मुद्दा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। जब भी जब ऐसी चर्चा होने लगती है राष्ट्रभक्ति के बारे में या राष्ट्रवादिता के बारे में, तो एकदम भगवाकरण भगवाकरण, एबीवीपी, ऐसा शोर क्यों मचने लगता है? राष्ट्रीयता हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितना इस भारत भूमि में या किसी भी देश में जन्म लेना। क्या हम सीरिया जैसे देश की ओर बढ़ना चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि जैसे वहाँ पर हालात बने हुए हैं वैसे हालात हमारे देश में हों? अगर हमें इन सबसे बचना है तो हमें अपनी राष्ट्रवादिता को, अपनी अस्मिता को और अपनी प्रतिष्ठा को कभी नहीं छोड़ना होगा। निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद एक अहम मसला है, लेकिन उसके बीच कहाँ से निकलेंगे? राधेश्याम जी, आप आए हैं विशेष तौर पर आज की इस बातचीत में भाग लेने, माइक्रोफोन उनके पास आए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी चीजें आखिर आकर राष्ट्रवाद पर क्यों टिक जाती है, और दूसरा फिर जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो वो क्या वो केवल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या एबीवीपी की जिम्मेदारी है? क्या राष्ट्रवाद को लेकर केवल उन्हीं को बात करनी चाहिए, या ये कैसा विषय है जिस पर कम से कम राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पर तो संगठनों के और विचारधाराओं के मतभेद खत्म होकर राष्ट्र वाले मसले पर सब एक हो जाए, और बाकी फिर जितने आपके मुद्दे हैं आपको लगता है कि देश का विकास साम्यवादी तरीके से हो सकता है तो आप उसको अपनाते रहिए, और जहां जहां आप सरकार बना सकते हैं उसको लागू भी कीजिए। जिसको लगता है समाजवाद से राष्ट्र चल सकता है वो समाजवाद से चलाए, और जिसको लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा बेहतर है वो कांग्रेस को वोट दे, जिसको लगता है कि भाजपा। लेकिन बात यह होती है कि जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो केंद्र में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, एबीवीपी, तो इन्हीं के पास जिम्मा है क्या केवल राष्ट्रवाद का? मैं सबसे पहले भाई साहब ओम जी नागपाल को आज उनकी जन्मशती के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा पुण्यतिथि पर। दो बातें मेरे दिमाग में आ रही है। एक तो बात यह है कि जीवन को चलाने वाली जो सर्वशक्ति होती है वो होती है विचार। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा छुआ, मजाक नहीं है, एक छोटी सी तीली भी यदि लग जाती है तो हमें दर्द होता है और कई देर तक हम उसको याद करते हैं। तो उनको उस फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए कौन सी ऐसी बात थी? वो था विचार, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरी भारत माता। अब जो हमारी आज की चर्चा है वो ये है कि उमर खालिद, गुरमेहर, कन्हैया, रामजस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है ये बहुत सतही बातें हैं। हमें इन बातों को करके और आधे घंटा बाद में हम उठ जाएंगे तो उसका कोई भी फल या निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। एक बात अच्छी है कि हम उस पर चिंतन करने के लिए बैठे हैं और होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के पहले से कुछ विचार ऐसे थे राष्ट्र युद्ध के जो इस देश में जड़े जमाने का कार्य कर रहे थे। वर्तमान में आते आते 70 वर्ष में वो विचार बहुत गहरे बैठ गए हैं। ये 2-3 यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, यदि आप बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसी अनेक यूनिवर्सिटियां हमारे देश में हैं जिनमें जो छोटे छोटे बच्चे नई पौध पढ़ने के लिए आई है 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष की, उनके अंदर
बड़ी शैतानी के साथ षड्यंत्र पूर्वक ऐसे विचार उनके मस्तिष्क में डाले जा रहे हैं जो हमारे देश के लिए बड़े ही घातक हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा होगा, एक पुस्तक अभी बाजार में आई हुई है, उसका नाम है ब्रेकिंग इंडिया। यदि कोई नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे देश, और उसको लिखने वाला एक ईसाई है, उसके अंदर इस तरह के षड्यंत्र है कि हमें देखते हैं कि ये हमारे ही साथ का मित्र है, हमारे साथ का स्टूडेंट है, लेकिन वो कैसे कैसे कारनामे करने के साथ में और अपना दल बना करके इस देश की खोखले करने के लिए वो तत्पर है। मेरा एक मित्र है, उसकी एक यहाँ कॉलेज चलती है, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो उसने ब्रेकिंग इंडिया पढ़ी और उन्होंने ही हमें बताया कि अवश्य पढ़िए, अभी उसका हिंदी रूपांतरण भी आ गया है। तो एक लड़के के ऊपर उसकी दृष्टि गई, उसकी गतिविधियां कुछ अलग थी, कुछ लड़कों को लेकर वह कोनों में बैठ करके और कुछ चर्चाएं किया करता था। तो जब मालूम पड़ा दूसरे लड़कों के माध्यम से, क्योंकि वो परिपक्व नहीं थे अभी, उनकी बातें जब उसने बताई तो मालूम पड़ा कि उसको इस विद्यालय में उसकी पूरी फीस दे करके इस विचार के साथ में यहाँ भेजा गया है। इस तरह की बात मैं जहाँ तक समझता हूँ एक इंदौर की एक कॉलेज में नहीं, इंदौर में कम से कम 300-400 कॉलेजें होंगी छोटी मोटी बढ़ाकर। तो अपने देश की क्या स्थिति है और इस समय हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जो राष्ट्रवादी विचार है, आज हमारी भारत माता को कोई गाली देता है तो हमें तन बदन में आग लगती है और हम क्या करते हैं, अखबार पढ़ते हैं और वो रख देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें भी अपने विचारों को अपनी नई पौध के साथ में, उसको राष्ट्रीय विचारों के साथ में, जीजा माता ने कैसे तैयार किया था शिवाजी को, यदि दूसरी माँ होती तो दूसरे ढंग से तैयार करती, तो हमारी माताओं का, हमारे भाइयों का और हम सब का एक ही एक परम कर्तव्य है कि राष्ट्रीय विचारों को और हमारे महापुरुषों की जो जीवनियां हैं छोटे छोटे रूप में उनको बताया जाए, यही एक रास्ता है, और उन ऐसी ताकतों से हम सतर्क रहें। मेरे ख्याल से ये समस्या और ये समाधान मेरी नज़र में ये है। ठीक बात है राजेश जी।